बट जो मेजर 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 प्रोजेक्ट आने वाला है विच इज छलावा, छलावा ट्रेलर आया, टीजर आया सबसे पहले, उसने काफी एक तूफान सा मचाया, फिर ट्रेलर आया, अब गाना भी आया, सो यू नो विद एवरी लिटिल मटेरियल दैट्स कमिंग बस एक क्रिएट बढ़ती जा रही है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. एक तो ये कि इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, इट गोज विद द स्पिरिट ऑफ ईद, कलर्स हैं, फन है, एंड मेरी पहली फिल्म है जो ईद उल फितर पे आएगी, बाकी तमाम ईद उल अज़हा पे आएगी. हाँ, सो इट्स स्पेशल फॉर मी, प्लस इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी, बट एट द सेम टाइम देर इज़ अ वेरी सटल मैसेज इन इट, जो कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा. बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. इट वॉज रिफ्रेशिंग टू वर्क विद अ डिफरेंट टीम, बट अगेन आई हैड वर्क विद देम इन नाया, सो काफ़ी अच्छा था. इट्स लाइक फैमिली एंड यू डिस्कस, यू ब्रेन स्टॉर्म, एंड इट्स वेरी It's a very open setup where everyone's like, you know, exchanging ideas and discussing, and hum kuch na kuch naya kar rahe hote hain roz. It was very tough shooting Chalawa because humne Badin mein bhi expel kiya hai. Usme ek ek scene tha jisme se surang mein se mujhe Rasper ko nikalna tha. To wo ek haveli thi which is nobody lives there. To ek bahut hi abandoned si dur ek gunjan ilake. Haunted to nahi thi? It might be actually. It could be. Haan. बट इट वॉज़ ब्यूटिफुल, और उसमें एक ना एक्चुअल सुरंग थी, और वो जाती थी कोई टू टू पॉइंट बी विच इज़ लाइक आउट स्कर्ट्स, तो वो बहुत लंबी, एंड देन दे हैड टू डू द सीन, तो उन्होंने उसके अंदर बारिश का गंद कचरा और क्या क्या सालों से भरा हुआ था, सो दे एक्चुअली क्लीनड इट अप टिल अ सर्टन पॉइंट जहाँ हमें वो शॉट करना था. अच्छा, साफ तो कर दिया, बट वहाँ चमगादड़े बिकॉज दे यूज टू बैट्स यूज टू लिव देयर. तब वो सुबह के 4 बजे का सीन और उसमें से यूँ गुजरना, वो इतनी छोटी सी सुरंग है और उसमें कैमरा टीम और आप हैं और बैट्स जो है ना वो यूँ यूँ गुजर रहे हैं, तो जब शॉट होता था तो मैं लैंप पकड़ के कर लेती थी और उसके बाद आई यूज्ड टू स्क्रीम एंड येल के मुझे निकालो यहाँ से. सो इस तरह की बड़ी हमने एक्साइटिंग चीज़ें की, बड़ा एडवेंचर कराया वजाहत ने इस फिल्म में, एंड वंस यू विल सी यू विल नो, बट इट्स अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट टू मी एंड आई एम श्योर इट्स इंशाल्लाह इट्स गोना रेजोनेट विद. बड़े फन और मजे की लग रही है. असफर का डायलॉग है ना, मैं बाबूजी को दिल जीतने आया हूं, तो आगे से आपने सुना दी खरी खरी में, ये कॉपी ना करो तुम. बड़ा है शाहरुख, तो ये उस एलिमेंट है तो नहीं डीडीएल जैसे. आई वुड से कि इसमें देखें, हर फिल्म रोमांटिक कॉमेडी जब होती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मूवी से या स्टोरी से टच जरूर करती है, बट देन अगेन इट्स अ वेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट, एंड शायद लोगों को लगे कि कहीं से मैच हो रही है, बट देन अगेन यू नो इट्स एन एंटरटेनिंग. कुछ लोगों ने तो शायद पंजाब नहीं जाऊंगी भी देख ली है चलावा के, क्योंकि नजर नहीं आई आपके कैरेक्टर. आई थिंक जहां भी अब जब भी पाकिस्तानी फिल्म में एक हवेली होगी या पंजाबी कल्चर होगा, वो कहेंगे ओ पंजाब नहीं जाऊंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स सच अ मैसिव हिट. द पीपल, जैसे आपने बोला दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दैट्स अ मैसिव हिट, सो यू कनेक्ट टू द वन दैट्स द बिगेस्ट, सो इट्स नेचुरल एंड ऑटोमेटिकली हैपेंस कि वो कहेंगे अच्छा पंजाब नहीं जाऊंगी, बट इट हैज नथिंग टू डू विद दैट. इंशाल्लाह दिस वन विल गो ऑन टू बिकम सच अ बिग हिट कि लोग फिर आगे से बोलेंगे यार छलावा देख. अल्लाह करे ऐसा, ऐसे होता है हमारा. जी जी. बट कमिंग बैक टू छलावा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद बजाहर द रेस्ट ऑफ द टीम? बहुत आप लोगों की तो अच्छी दोस्ती हो चुकी होगी आई सपोज. इनाया की वजह से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, एंड द वे वजाहत स्पॉइल्स हिज एक्टर्स, लिटरली इतना ख्याल रखा जाता है, इतना ज़्यादा हमें स्पॉइल किया जाता है, दैट वी एक्चुअली फील रिस्पॉन्सिबल कि यार अब तो हमें और अच्छा करना है, यू नो, बिकॉज वी आर बीइंग टेकन केयर ऑफ सो वेल. बाकी लाइक आई सेड कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ऑन सेट्स, वजाहत इज़ वेरी ओपन टू सजेशंस एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड स्टफ, और बड़ा चीज़ें हमने क्रिएट की हैं मिलकर, सो आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. और मजे की बात है कि असफर इज माई बडी एंड आई कॉल हिम जाने मन, ही कॉल्स मी जाने मन, सो हमारी बहुत पुरानी, हम 10 साल से हमारी दोस्ती है. सो वर्किंग विद हिम ऑन सेट्स वॉज लाइक एवरी डे वॉज फन बिकॉज वी आर ऑलवेज लाफिंग, एंड वजाहत का सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफकोर्स, और बड़े इंटेंस सीन्स हैं इस फिल्म में, ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट कॉमेडी एंड रोमांस, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा एंड एक्शन इन इट एज वेल. आई थिंक इट्स अ कम्प्लीट फिल्म एंड इट विल बी अ ट्रीट फॉर पीपल टू वॉच. I think personally I really find the your dance songs very very entertaining. जितने मज़े से आप करती हैं perform, even जो चलावा है, your expressions and your moves, all of that, I think you really have a lot of fun shooting. Yes, 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 absolutely. And good that we shot in a nice weather. Otherwise, अगर गर्मियाँ शुरू हो जाती तो हम लोगों ने तो मर जाना था. But with the songs are actually so good that you feel like dancing. ये ट्रैक है, इसके अलावा एक और ट्रैक है जो कि हम ईद के बाद प्रॉब्ली रिलीज़ कर रहे हैं, ब्यूटीफुल ट्रैक कॉल्ड चिड़िया, जिसका हल्का सा ट्रेलर में एक झलक भी दिखती है.
सो दैट इज़ अ ग्रेट ट्रैक. और भी बड़े अच्छे हमारे चार गाने हैं फिल्म में, एंड एवरी सॉन्ग हैज़ अ डिफरेंट फील टू इट. सो आई थिंक छलावा इज़ गोना बी द शादी सॉन्ग ऑफ द ईयर. बिल्कुल वो लग रहा है. यस, उसमें बहुत पोटेंशियल है. जब हमने सुना था पहली दफ़ा तब भी हम लोग कहते यार वाओ, ऑफ मुंह पे चढ़ गया था. आपकी हर फिल्म से एक शादी सॉन्ग तो मिल ही जाता है. शुक्र है. लोड वेडिंग से भी इतना बहुत है. दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग. या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ हम लोग शादी इज वन ऑफ द बिगेस्ट हमारे यहाँ के जो ओकेजंस होते हैं, और अक्सर हम वी लुक अक्रॉस द बॉर्डर फॉर सॉन्ग्स. आई थिंक इट्स बेस्ट कि हमारे अब इतने अच्छे गाने बनना शुरू हो गए कि आपको शादी पे नाचने के लिए अपने ही गानों पे नाचना पड़ेगा. एंड दैट इज यू नो अ ग्रेट थिंग. दैट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. अच्छा, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, मतलब दिल लगी को बहुत टाइम हो गया टीवी पे आए हुए. आपके एक बहुत लार्ज चंक है फैंस का जो हमें भी अक्सर क्वेरीज भेजते रहते हैं और कहते हैं कि हम आपसे पूछें कि आप टेलीविजन पे कब आएंगे वापस. तो कुछ चांसेस हैं आपको दोबारा छोटी स्क्रीन पे देखने? यस, आई एम मिसिंग टीवी और आई एम वेटिंग फॉर अ गुड स्क्रिप्ट, क्योंकि आफ्टर दिल लगी यू नो आई डोंट वांट टू डू अ स्क्रिप्ट व्हिच इज lukewarm. I want something as amazing as Dil Lagi. Aur let's see, agar koi acha script aata hai to I really want to this year maybe do a drama serial. I would want to. But aisa nahi hai focus ki films hi karenge. Nahi, aisa kuch koi. Aap to bas har cheez mein experiment karti rehti ho. Web series bhi kar li. Haan, web series kar li, animated movie kar li. I am an artist and I love experimenting and exploring and I don't want to stop at one thing and ke lakeer khinch di bas patthar pe ke yahi hai, aisa nahi hai. I like to do different stuff. I really want to do theater as well in the near future. So cool. Yeah, talking about the different things that you do, yes. About your singing career, you went to the US, there was a whole tour that you did there, you received a lot of praise and appreciation. Yeah. So or music, in terms of music, yes. What's more to look forward to? Abhi recently main Lahore mein ek packages mall pe concert kiya tha, which was more than 10,000 people. And abhi I'm working on my music as well. Now that I'm done with Chalava, so I can go back to my music. And there is a lot of exciting stuff coming up, musically as well, and also shows. So, inshallah, Eid ke baad. Eid ke baad that will also get activated. आपके बहुत सारे फैंस हैं और as I said in the beginning, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के हर कोने में हैं, और जब हमें बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपसे मुलाकात करें और मिलें और आपसे बात करें, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज? उनके लिए मैंने ये कहना है कि आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द लव, एंड आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ यू. सो कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, एंड That's it. और जाते जाते अगर कुछ सुना दे मेरी पर्सनल फरमाइश पे. ओके. चलावा है चलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो बला है जो समझ ना आए. चलावा है चलावा, कभी आए कभी जाए, प्यार वो बला है जो समझ ना आए. थैंक यू. Thank you very much, Mahvish, for giving us time. You wish you all the best for Chalava and all your future projects. Hope to see you soon. Thank you, Dr. Saab. Thank you, Mahvish. Thank you. Thank you.